जो हाँ वीडियो सामने आया है उससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्वाति मालीवाल जी ने रिपोर्ट लिखाई है और उनका जो वीडियो आया है, दोनों में विरोधाभास है, जबरदस्त विरोधाभास है। दूसरा है इसका राजनीतिक पहलू, जो भारतीय जनता पार्टी इसमें विरोधाभास क्या है सर? स्वाति मालीवाल के वीडियो में और उनकी रिपोर्ट में क्या विरोधाभास है घनश्याम तिवारी जी? मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे आता हूँ, पहले ये वाली बात पूरी कर लेता हूँ। दूसरी बात है राजनीतिक पहलू कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव में मुंह छुपाए घूम रही थी, जहां प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस तरह के दानव को वोट दो इससे मैं मजबूत कर होता हूं, अब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े नजर आएंगे। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस के साथ ये सरकार खड़ी हुई, आईआईटी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने रेप किया उनके साथ खड़ी हुई। तो ये सरकार पिछले जब से चुनाव अरे यहाँ मुख्यमंत्री के आवास में महिला का उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है और वो महिला राज्यसभा की सांसद हैं, आप समझ नहीं रहे मामले की गंभीरता को क्या? उसका एक एफआईआर है, इसमें मुझे बात गंभीरता 164 में बयान भी दर्ज हो गया है घनश्याम तिवारी जी। अगर स्वाति मालीवाल जी ने मुंह खोल दिया, कुछ नाम ले दिए, तो संकट में पड़ जाएंगे आप जिनके साथ बैठे हुए थे वो। देखिए, अगर किसी के मुंह खोलने से कोई संकट में पड़ता है तो सच बोलना चाहिए। और जो भी कहां बोल पाए अखिलेश यादव सर, कहां बोल पाए अखिलेश यादव, वो तो डिफेंसिव मोड में थे अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जब उनसे सवाल पूछा गया बोले मुद्दे और भी हैं, बताइए एक महिला की मारपीट से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के आवास पर महिला की मारपीट हुई है जो मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठा हुआ है। दो लोगों के बीच में कहा सुनी हुई मारपीट हुई, इतना सच सबको पता है। हाँ। इसके बाद कयास है, आप अच्छा। अपने कयास लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कयास लगा में सकती दर्ज है, किया हुआ बयान भी कयास है क्या? वो एक सच है। कुल मिलाकर के जो भी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दर्ज हुआ वो फैक्ट है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कयास है। अच्छा, तो मैं कयास लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो यहाँ पे फैक्ट के ऊपर चर्चा करने की बैठा हूं। जितना फैक्ट आपको पता है उतना फैक्ट मुझे पता है और उतना ही फैक्ट दर्शकों को भी पता है, क्योंकि एफआईआर सबके सामने है और वो वीडियो सबके सामने है। उसके ऊपर जो कुछ भी कुछ कयास लगाना चाहे लगा सकता है, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर कोई नैतिक आधार नहीं है। उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता घनश्याम तिवारी जी, लेकिन अगर उस वीडियो में स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि मुझे हाथ लगाया तो मैं नौकरी खा जाऊंगी, अगर एक महिला अपने आप को बचाते हुए किसी से ये कह रही है कि मुझे टच मत करना, मुझे हाथ मत लगाना, तो क्या उस वीडियो में आपको कुछ गलत नजर आता है? नहीं, मैं गलत सही की बात नहीं, उस वीडियो से तीन बातें मुझे स्पष्ट होती हैं। एक तो इस प्रकरण के चश्मदीद गवाह हैं, महिला कांस्टेबल है वहां पर, दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी हैं या लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, मुख्यमंत्री हाउस में काम करते हैं। पहली बात, आप चश्मदीद गवाह नहीं है, मैं चश्मदीद, लेकिन इस प्रकरण के चश्मदीद गवाह है। दूसरी बात कि ये दो लोगों के बीच की आपसी कहा सुनी और लड़ाई झगड़े का मामला है, अच्छा। ऐसा उस वीडियो से दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, किसी का ये कहना कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी और उसे अपशब्द कहना और कहना कि गंजे, ये उस वीडियो का एक और पहलू दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे वो महिला के साथ बदसुलूकी क्यों ना करे, चाहे वो शख्स महिला के साथ बदसुलूकी क्यों ना करे, चाहे वो महिला को थप्पड़ क्यों ना मारे, चाहे वो लात घूंसों से उसको पीटे क्यों ना, ये तो दिल्ली पुलिस को तय करना है, राइट? आपको तो पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, दिल्ली पुलिस अनुसंधान करके, लेकिन पीड़ित महिला तो यही कह रही है ना, पीड़ित महिला के बयान को सम्मान देंगे कि नहीं देंगे आप, जब आपने महिला पहलवानों के बयान को सम्मान दिया? मैंने कहा ये फैक्ट है और मैं किसी भी फैक्ट से इतर नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा फैक्ट है, जो उन्होंने एफआईआर लिखाई वो बहुत सम्मानित महिला है, राज्यसभा की सांसद है, साथ में वीडियो जो है विरोधाभास क्रिएट कर रहा है वो भी एक फैक्ट है। अब जो आप वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उस वीडियो को शेयर किया है, हाँ। इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक वीडियो है जिसको जिसको एक पुष्ट वीडियो माना जाना चाहिए। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आज मुझे लगता है आप ही से होने वाले हैं। मैं केके शर्मा जी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। केके शर्मा जी, जब अंतरिम जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को तो उत्सव सा मना था, लोकतंत्र की जीत बताया गया था, न्याय की जीत बताया गया था, और वो इतने ज्यादा आक्रामक हुए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि गृह मंत्री साहब को आकर के सामने उनकी बातों का खंडन करना पड़ा था। तब ऐसा लगा था इंडिया गठबंधन को कि उनको मिली राहत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होने वाली है इस गठबंधन के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह इंडिया अलायंस के लिए गले की हड्डी भी बन सकता है जिस तरीके से अब यह मामला सामने आया है, तो इससे थोड़ी राहत आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं अनुराग जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा जितना तिवारी साहब को आपने दिया।
देखिए, आपने इनसे पूछा कि अखिलेश यादव को उस समय कुछ ये महसूस हुआ होगा, अखिलेश यादव को क्या शर्मिंदगी महसूस होगी? अखिलेश यादव की तो मानसिकता यही है, उसके संस्कार अखिलेश यादव के ही है। छोड़ दीजिए अखिलेश यादव, स्वाति मालीवाल पर रहते नहीं तो फिर डिबेट भटक जाएगी, फिर डिबेट भटक जाएगी। मैं वहीं से इसी पे आ रहा हूँ। बीच में मत बोलो भाई, शर्मा जी, ब्रजवल रेवन्ना के संस्कार आपके संस्कार है, ब्रजभूषण शरण जी के संस्कार आपके संस्कार है, बत्तमीजी मत करो, संस्कार आपके संस्कार है, संस्कारों में मत जाइए, अनुराग जी संस्कारों में मत जाइए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ब्रजवल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह और बीच में दिखते हैं। आपको भरपूर मौका मिलेगा घनश्याम तिवारी जी, आपको भरपूर मौका मिलेगा। केके शर्मा जी की बड़ी देर बाद बारी आई है, बोल लेने देते हैं, बोलिए केके शर्मा जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ कि गायत्री प्रजापति आपको पता होगा इन्हीं के पार्टी के थे, एक महीने तक जो मीडिया रिपोर्ट में बलात्कार के मामले जो आपकी पार्टी में है, बताइए उनको ये छिपा के अपने यहाँ मुख्यमंत्री जो है कार्यालय पे रखा। अब बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? केके शर्मा जी, स्वाति मालीवाल पर आ जाइए, इतिहास मत बगारिए, इतिहास उसी का होगा सर। नहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए, बाकी सब मुद्दे से पहले डिबेट में हो चुके हैं, आ जाइए। तो मैं इतना तो बता दूं, हाँ, इस जो शर्म की आपने पूछी प्रश्न, आप ही ने पूछा था ना सर, मैंने तो नहीं पूछा था इसमें, तो ही बता रहा हूँ। वही मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे बलात्कारी लड़कों को कि युवा हैं, बलात्कार करते हैं, युवा हैं, हो जाता है। तो वही संस्कार अखिलेश यादव पर है, जिन्होंने उस दिन जब पूछा गया तो क्या कहा? अरे आप अपने संस्कार देखिए, बड़े बड़े मुद्दे हैं, एक महिला को संस्कारों की बात कर जा रहा है, लेकिन कंधों में बैठ के संस्कारों की बात यार कितनी बदतमीजी करोगे तुम। अब रही बात स्वाति मालीवाल की, अनुराग जी, आपकी बदतमीजी कोई सीमा ही नहीं है कि जब नहीं सुनिए सुनिए, आपकी बदतमीजी आप कर रहे हो, सब जनता देख रही है। दूसरी बात, आपका पाप जो है अब सर चढ़ के बोलने लगा है अनुराग जी, और यही कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी 20 दिन की, जिसमें उन्हें मुख्यालय जा सकते थे, बहुत कुछ प्रतिबंध था, लेकिन हुआ क्या, उनके घर पे उनके ही राज्यसभा के एक सांसद को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, और उसको अपमानित किया गया, जिस घर में केजरीवाल भी उपस्थित थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी, जो एक घर के मालिक जो है केजरीवाल है और इस घर की मालकिन सुनीता केजरीवाल है, वो भी अब सार्वजनिक जीवन में, इसलिए मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। उनके समक्ष वहां पर घटना पर उस महिला को मारा गया, पीटा गया, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अच्छा हुआ आप पार्टी ने आज ये वीडियो जारी किया। इससे एक बात तो साबित हो गया कि अब ये नहीं कह सकते ये कि वहां ये घटना नहीं हुई है। संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, विभव ने उससे साथ अभद्रता की, मारा पीटा गया है उसको, जो उसने खुद स्वीकारा है वहां पर। तो अब ये नहीं कह सकते, और ये वीडियो जारी होने के बाद, क्योंकि ये जो वीडियो जारी हुआ है वो 102 नंबर पे फोन करने के बाद हुआ है, इसका मतलब इसका वीडियो पहले का भी ऑलरेडी वहां है। अब केजरीवाल ये भी नहीं झूठ बोल पाएंगे कि सीसीटीवी खराब हो गया, उसके फुटेज नहीं मिल रहे हैं। तो अब तो इनका, मैंने कहा ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, कि हमारे एक और कहावत है उसको संतता न ले, कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। ये सही स्थिति है कि इन्होंने ये वीडियो जारी करके बता दिया कि वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। हाँ। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है मामला, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए केके शर्मा जी, लौटूंगा आपके पास, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश के पड़ेंगे। एक पॉइंट कह रहा हूं, इसके बाद आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। ये पहले दिन से पता है, क्योंकि संजय सिंह ने स्वीकारा कि विभव ने उनके साथ जो है मारपीट किया है, अनादर किया। इसके बावजूद केजरीवाल उसको अपने साथ लेके घूम रहे जी। आज 3 दिन हो गए वो पुलिस ढूंढ रही है उसको, और वो पुलिस के उसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि केजरीवाल उस आरोपी को संरक्षण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परमेंद्र सेठी साहब से ये सवाल पूछ लेता हूं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है।